समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना, हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई।
ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। दो दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहां से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और तीन बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहां 100 सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियां खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थी जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थी और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं, और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया।
क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाज़त दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एक सुबह जब धोखेबाज भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसने एक सारस परिवार को आकाश में उड़ते हुए देखा। वो जानता था कि उन्होंने पहाड़ियों में एक घोंसला बनाया है और उस घोंसले में उनके अंडे थे। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। मैं समझ गया कि क्या खाना चाहिए, सारस के अंडे। लेकिन सोचना पड़ेगा कि उस पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए। और उस घोंसले में नन्ना मुन्ना एक बत्तख का बच्चा था जो चैन की नींद सो रहा था। उसके सारस भाई ने उसे जगाने के लिए घंटी बजाई। अरे उठो बत्तख, क्वैक 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 क्वैक। बेबी बत्तख उठा और पूछने लगा, क्या चल रहा है? हम उड़ान के लिए जा रहे हैं, और हाँ बीच में सो मत जाना वरना भेड़िया खा लेगा तुम्हें। भेड़िया? हाँ, क्योंकि तुम हमारी तरह ऊंचे नहीं उड़ सकते। चलो अब मैं जाता हूँ, बाद में मिलेंगे, अलविदा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुष्ट भेड़िया पहले से ही उन्हें देख रहा था और योजना बना रहा था। जब सारस भाई बहन आसमान में उड़े तो बत्तख ने पीछा करने की कोशिश की। वो अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके अभ्यास में बाधा पड़ने लगी जब एक दिन उसने झाड़ियों के बीच को चमकते हुए देखा। वो क्या है? उसने जो चमकीली चीज देखी वो लाल जूतों की एक जोड़ी थी। वे कितनी सुंदर हैं, पर क्या वो मेरे पैरों में फिट होंगे? बत्तख के बच्चे ने जैसे ही लाल जूते पहने वो जमीन से ऊंचा उठा और पल भर में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। बत्तख का बच्चा तुरंत सारस परिवार के पीछे हो लिया। आ, देखो बत्तख का बच्चा हमारे पीछे है। वाह, तुम यहाँ तक कैसे आए? मेरे जादुई लाल जूतों के लिए धन्यवाद। देखो, नीचे भेड़िया उन्हें देख रहा था। वो बहुत हैरान था। जादू, लाल जूते, अब मेरे पास एक अच्छी योजना है। रात में जब सारस परिवार और बत्तख का बच्चा सो रहे थे, भेड़िया चुपके से उनके पास आया। लाल जूते अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने अपने पंजों को फैलाकर डोरी से उन्हें खींच लिया। कल सुबह होते ही मैं एक सारा संडे का ऑमलेट खाऊंगा। सुबह सूरज उगते ही बत्तख का बच्चा जाग गया, और जब उसने अपनी बगल में लाल जूते नहीं देखे तो वो घबरा गया। ओ नहीं, मेरे जूते, मेरे जादू के जूते यहाँ नहीं है, मैं अब कैसे उड़ूंगा? बत्तख का बच्चा माँ सारस और अपने भाई बहनों की तलाश में दौड़ा। मम्मी सारस, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? हालांकि वो उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं अपने जूतों के बिना कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा। जब बत्तख का बच्चा दुखी होकर रो रहा था तो उसने दुष्ट भेड़िये को ऊपर उड़ते हुए देखा। मैं उड़ रहा हूँ। सारा संडो, मैं आ रहा हूँ। नाश्ते का समय हो गया है। ओ, मेरे जूते, भेड़िये ने मेरे लाल जूते चुरा लिए।
बत्तख के बच्चे ने भेड़िये का पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने नन्हे पंखों की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाया और फिर वो वापस जमीन पर गिर गया। ओह, मुझे अंडे को दुष्ट भेड़िये से बचाना है। ओह, काश मैं उड़ पाता। भेड़िया जादू के जूतों के साथ घोंसले में उतरा और सारस के अंडे की ओर बढ़ा। बत्तख का बच्चा उसे एक एक करके अंडे लेने की कोशिश करते हुए देख रहा था। सारस के अंडे खतरे में हैं। मुझे भेड़िये को रोकना होगा। बत्तख के बच्चे ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जितना हो सकता था जोर से पंख फड़फड़ाए। अंडे, मुझे अंडों को बचाना होगा। आखिरकार बत्तख का बच्चा उड़ान भरने लगा, आकाश में ऊंची उड़ान। पहली बार मैं उड़ रहा हूँ। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। बत्तख का बच्चा उतरा और भेड़िये पर चढ़ गया। उसने जादू के जूतों को पकड़ा और जल्दी से उन्हें खींच लिया। ओ, नन्हे बत्तख, जूते। ठीक उसी समय सारस परिवार जल्दी से बत्तख के बच्चे के पास आया और गुस्से में भेड़िये को घोंसले से दूर भगा दिया। दुष्ट भेड़िया दलदल में गिर गया। मदद करो। सारस परिवार ने बत्तख के बच्चे को धन्यवाद दिया। अब तुम हमारे जितने ही ऊंचे उड़ सकते हो। हाँ, सचमुच। तो अब ये एक परिवार के रूप में एक साथ उड़ने का समय है बच्चों। बत्तख का बच्चा इतना खुश था कि वो उड़ सकता है और उस दिन से उसे एहसास हुआ कि उसे कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे जादू के जूतों की अब जरूरत नहीं है, उसे बस साहस और दृढ़ता की जरूरत थी। तो बत्तख का बच्चा एकमात्र बहादुर बत्तख बन गया जो आकाश में सारस के साथ उड़ सके। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा।
सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहां सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी, शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक अवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक अवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे।
कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया उसकी पत्नी से छुपते हुए और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की। खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। वीना चिल्लाई। जैक ने वीना को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। गहरे नीले समुद्र के नीचे खतरनाक शार्क गिरोह उस दिन फिर से शिकार कर रहा था। गिरोह इतना डरावना था कि जब भी वे अपना मुंह खोलते, मछलियों के झुंड बिखर जाते। लेकिन एक विशाल समुद्री मीनार के अंदर छिपी पीली मछली उनसे बचते घूम रही थी। यह देखो, हमें बहुत अच्छा भोजन मिला है। चलो हम इसे खाते हैं। शार्क गिरोह पीली मछली को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने एक बड़ी मछली को ऊपर तैरते हुए देखा। देखो देखो, वो मछली बड़ी है, चलो उसे खाते हैं। हालांकि खतरनाक गिरोह को बहुत देर से एहसास हुआ कि वे जिस बड़ी मछली को खाना चाहते थे वो वास्तव में एक खिलौना मछली थी, एक मछुआरे के हुक के सिरे पर लटकी हुई। आ, आ, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी नाक में बहुत चोट लगी है। जब वे खिलौना मछली में व्यस्त थे, पीली मछली बच निकली और उनके द्वारा खाए जाने से बच गई। तुम्हारी वजह से हमने दोपहर का भोजन खो दिया। सुंदर समुद्र केवल शार्क का झुंड नहीं था, वो विशाल और रंगीन, प्यारी और खुशहाल मछलियों के परिवारों से भरा हुआ था,
चलो बच्चों, अंदर आने का समय हो गया। लेकिन माँ, देखो बच्चों, मुझे कुछ खाने के लिए लेने जाना है और मेरे बाहर रहने तक तुम घर के अंदर रहोगे। माँ, माँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना, प्लीज। नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक होगा, बाहर बहुत शार्क घूम रहे हैं। चलो तुम सब अंदर आओ और अजनबियों से बिल्कुल भी बात मत करना। तीन लाल मछलियां अपने घर के अंदर चली गईं, जो असल में एक डूबा हुआ जहाज था। जिस शार्क गिरोह ने उन्हें देखा था, वे वहीं पर माँ मछली को पकड़ना चाहते थे। ओह, एक सुपर स्वादिष्ट माँ मछली, और इस बार ये कोई खिलौना नहीं है। बड़े शार्क ने अचानक अपने दोस्तों को रोका, जो हमला करना चाहते थे। रुक जाओ, एक मछली खाने के बजाय हम उस डूबे हुए जहाज के अंदर छिपी तीनों मछलियों को क्यों नहीं खाते, क्या कहते हो? बहुत चालाक है बॉस। चलो तीनों को खाते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हम इन मछलियों पर तुरंत हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इन विशाल शरीरों के साथ उनके छोटे से घर में प्रवेश करेंगे तो वो आसानी से बचकर भाग सकती हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। कैसी योजना बॉस? तुम जाओ और एक शांत जगह पर इंतजार करो, योजना मुझ पर छोड़ दो। तो शार्क खुद को छिपाने के लिए लाल मूंगों के बीच भटकता रहा। उसने अपने आप को लाल रंग से ऐसे रंग लिया जैसे वो लाल मछली के परिवार का ही सदस्य हो। फिर उसने अपने खतरनाक पंखों को छिपाने के लिए एक नारंगी पैटर्न वाली काई को ढूंढा। उसने काई को अपनी पीठ पर फेंका और अपने नुकीले पंखों से ढक लिया। और फिर शार्क ने लाल मछली की पसंदीदा मांस कुकीज खरीदी। कोई भी मछली इन कुकीज को मना नहीं कर सकती है। शार्क तैर कर लाल मछली के घर की ओर बढ़ गया और अपनी नाक से दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं मांस कुकीज बेचने वाली एक बूढ़ी लाल मछली हूँ, क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? मांस कुकीज। लाल मछलियां बच्चे थे और कुकीज को लेकर बहुत उत्साहित थे, इसलिए वे तुरंत बाहर आए कुछ खरीदने के लिए। रुको भाइयों, माँ ने हमें अजनबियों से बात करने से मना किया था। लाल मछली भाइयों में से एक ने दरवाजे के छोटे से छेद में से बाहर देखा। लेकिन वो कोई अजनबी नहीं है, वो हमारी ही तरह एक लाल मछली है। तो मछली भाई बहन बाहर चले गए। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, मेरे घर पर और भी कुकीज हैं। लाल मछलियाँ शार्क के पीछे चलने लगी, जबकि शार्क चालाकी से सोच रहा था कि उन्हें कैसे खाए। अचानक एक मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसके पंखों को छुपाने वाली काई थोड़ी सी निकल गई। तभी लाल मछलियों ने महसूस किया कि वो शार्क है। वो तो शार्क है। उनमें से एक चट्टानों के पीछे छिप गया, दूसरा मूंगों के बीच और तीसरा पत्थर के नीचे छिप गया। पर शार्क ने उनमें से हर एक को ढूंढ लिया और तीनों को पकड़ लिया। तुम मेरे दोस्तों के साथ एक अच्छी दावत करोगे। उनमें से केवल एक शार्क से बचने में कामयाब रही और जल्दी से अपने घर की ओर तैर गई। इधर लाल मछली माँ बहुत डर गई थी जब उसने अपने बच्चों को घर के अंदर नहीं देखा। नहीं, नहीं, तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? माँ मछली अपने बच्चों की तलाश में दूर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपने बच्चे को हड़बड़ी में तैर कर आते देखा। माँ, शार्क मेरे भाइयों को कहीं लेकर चला गया है, मुझे पता है वो कहाँ है, चलो उन्हें बचाने। माँ मछली ने बुद्धिमानी से विशाल वेल विली से मदद लेने का फैसला किया और फिर वे तीनों एक साथ तैर कर उस जगह पहुँचे जहाँ शार्क गिरोह था। शार्क गिरोह अपना मछली खाना खाने ही वाला था,
कि वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पास सिर्फ दो मछलियां हैं। ओह, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दो लाल मछलियां हैं बॉस। हाँ, क्या? कैसे? मुझे लगता है कि आप उनमें से एक को भूल गए होंगे बॉस। हाँ, वो मैं ही थी जो बच निकली। क्या? क्या? तभी शार गिरोह ने बड़ी वेल विली को देखा और वे बहुत डरे हुए थे। इस तरह दोनों छोटी लाल मछलियां बच गईं। विली ने तुरंत अपना मुंह खोला और तीनों शार को पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ। नहीं, क्या तुम फिर से छोटी लाल मछलियों को खाने की कोशिश करोगे? नहीं, 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 हम वादा करते हैं। तो लाल मछलियाँ सुरक्षित घर वापस लौट सकती हैं? हाँ, 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 वे जा सकती हैं। हाँ, वो जा सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो लाल मछली परिवार सुरक्षित घर लौट आया और तब से तीनों छोटी लाल मछलियां समझ गईं कि अपनी माँ की आज्ञा मानने का मतलब क्या होता है, और इसलिए भी सुरक्षित रहीं अपने सुंदर समुद्री घर में। एक समय की बात है, जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक चालाक लकड़बग्घा था। नाम था हेक्टर। हेक्टर उससे छोटे जानवरों के लिए जाल बिछाता था और फिर उनका मजाक उड़ाता था। चालाक हाइना हेक्टर को जंगल में घूमते समय एक पत्र मिला। उसने उत्साह से वो पत्र खोला और देखा कि उसमें एक गोल्डन पेपर था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। हेक्टर ने बहुत देर तक कागज देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हेक्टर एक अनपढ़ था, बुरा लकड़बग्घा। उस पल में पास से गुजर रहा एक बेबी हेजहोग रुक गया जब उसने लकड़बग्घे के हाथ में सुनहरा कागज देखा। हेलो सर, आपको वो पत्र कहाँ मिला? हाँ, पृथ्वी के तल में या पहाड़ की चोटी पर, इससे आपका कोई मतलब नहीं, ये मेरा है। ओह ठीक है, तो आप शिक्षकों के हो रहे रिचर्ड डे के कैंप में जा रहे हैं? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शिक्षक नहीं। उस पल में हाइना के दिमाग में एक दुष्ट ख्याल आया। वो हेजहॉग को बरगलाने वाला था कि उस शिविर में जाओ और हर छोटे जानवर का अपहरण कर उन्हें खा जाओ। दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं अपना चश्मा अपने साथ ले जाना भूल गया, इसीलिए मैं पता नहीं पढ़ सकता। क्या तुम मुझे शिविर में ले जाओगे बेटा? हेजहॉग ने उत्साह पूर्वक चालाक हाइना का अनुरोध स्वीकार किया और वे एक साथ निकल पड़े शिक्षक दिवस शिविर के लिए। हेक्टर के लिए कठिन समय था जब वे शिविर में पहुंचे, क्योंकि वो जिधर देखता उसने छोटे छोटे जानवर देखे जो वो खा सकता था। अब इस कैंप में आप मेरे शिक्षक हैं और मैं आपका छात्र हूँ श्रीमान। ठीक है छोटे छात्र, अब मैं तुम्हें समय के बारे में कुछ सिखाने जा रहा हूँ। मुझे आपको लंबे समय तक बिजी रखना है और बाद में अपना पेट भरना है। चालाक लकड़बग्घा हेजहॉग से कहता है कि जहाँ है वही रहे जब तक उसकी छाया छोटी ना हो, और हेजहॉग उसकी बातें सुनता है और धूप में प्रतीक्षा करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हेक्टर ने खरगोश को देखा कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हुए। उसे पकड़ने के लिए उसने एक गाजर को रस्सी से बांध दिया और खरगोश के सामने फेंक दिया। जब खरगोश ने गाजर देखा वो नहीं रोक पाया और उसे चबाना शुरू किया। यहाँ तुम मेरे जाल में फंस गए खरगोश। जैसे लकड़बग्घे ने रस्सी को खुद की ओर खींचा, खरगोश उसके करीब आ रहा था, पर जैसे ही हेक्टर खरगोश की ओर कूदने ही वाला था,
अध्यापक। बेबी हेजहॉग उसके सामने आ गया। मेरी छाया छोटी हो गई और लगभग गायब हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सूरज सीधा ऊपर है बेटा। ओह वाह, बहुत बढ़िया जानकारी है, आश्चर्यजनक। बेबी हेजहॉग के लिए धन्यवाद। खरगोश ने दोनों गाजर खा लिए और लकड़ी लेकर तंबू में लौट आया। भूखा लकड़बग्गा बहुत गुस्से में था। बेटा, मैं तुम्हें एक और बात सिखाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार लकड़बग्गा हेजहॉग को एक गिरे हुए पेड़ के पास ले आया। उसने उससे लॉक पर रिंग्स गिनने को कहा। हाथी ने उत्साही से स्वीकार किया और रिंग्स गिनने लगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी रिंग्स है, संख्या अनंत है। चालाक हाइना हेक्टर हेजहॉग को छोड़कर अपने रास्ते निकल गया। ठीक आगे उसने तीन मेमनों को देखा जो नाच रहे थे, मजे कर रहे थे। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। लकड़बग्गे ने अपने आप को मेमने जैसा बना लिया, खुद पर बहुत सारे रुई के टुकड़े चिपकाकर। इस प्रकार वो भेड़ के बच्चों के साथ घुल मिल गया। एक क्षण बाद हेक्टर दो पैरों पर खड़ा हुआ, अपना मुंह पूरा खोल दिया और उनमें से एक को खाने ही वाला था। तभी टीचर, बेबी हेजहॉग उसके सामने आ गया। क्या तुम आ गए फिर से? शिक्षक, मैंने लट्ठे पर रिंग्स को गिना, वे बिल्कुल 150 है। इसका अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, इसका मतलब उस पेड़ की उम्र तुम जान जाओगे। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी जानकारी है। इस बीच मेमने वापस उनके तंबू की तरफ लौट गए और लकड़बग्गे द्वारा खाए जाने से बच गए। बेबी हेजहॉग के लिए धन्यवाद। लकड़बग्गा जो फिर से भूखा था, इस बार और भी गुस्सा था। मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा, सूरज अस्त होने को है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाइना हेक्टर ने हेजहॉग को शिविर से जल्दी भागने के लिए कहा। उसने फिर कहा कि वो आकाश में उत्तर तारे का अनुसरण करके अलाव ढूंढने की कोशिश करे। हेजहॉग उत्साह से मान गया। कुछ देर बाद धूप चली गई और आकाश में तारे चमकने लगे। चालाक हाइना हेक्टर एक लाइन के पीछे दुबका हुआ था। कैंप फायर के पास बैठे शिक्षक और छात्र जानवर का शिकार करने के लिए। आग के बुझते ही मैं हर पिल्ले को पकड़ लूंगा जो अंधेरे में इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही शिक्षक भालू ने कहा कि सोने का समय हो गया है और आग बुझा दो, और उसने पानी डाल दिया, लकड़बग्गा उन पर कूद पड़ा। जब शिविर में जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, बेबी हेजहॉग को आखिरकार उत्तरी तारे के प्रकाश में कैंप मिल ही गया। हालांकि उसने जो देखा उससे वो दंग रह गया। नहीं, वो शिक्षक नहीं है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। हेजहॉग ने सुइयों को उसकी पीठ पर फेंकना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से कि उसने उसे एक छोटी सी जगह में फंसा दिया। लकड़बग्गा जो हिल नहीं सकता था, वहाँ से जल्दी में चिल्लाया, मदद करो, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तुरंत कैंप छोड़ दूंगा।
हेजहॉग धीरे धीरे लकड़बग्गे के पास पहुंचा। मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम शिक्षक नहीं हो, तुम एक चालाक लकड़बग्गा हो। अब इस जगह को छोड़ दो या फिर मैं बनाऊंगा एक और खतरनाक पिंजरा मेरी पीठ की सुइयों से। हेजहॉग की मदद से लकड़बग्गा ने कांटों से छुटकारा पा लिया और शीघ्रता से छावनी से भाग गया। उस रात शिक्षक भालू ने छोटे हेजहॉग को शिविर का सबसे मूल्यवान पुरस्कार द लिटिल टीचर अवार्ड दिया, क्योंकि कभी कभी केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, अच्छे उद्देश्यों के लिए ज्ञान का उपयोग करना और कभी कभी इस ज्ञान को साहस से ताज पहनाना भी जरूरी होता है। कई साल पहले एक चक्की वाला उसकी खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। चक्की वाले ने हमेशा अमीर होने का सपना देखा, इसी वजह से वो आसपास के लोगों से झूठ बोलता था। उसकी प्रसिद्ध कहानियां राजा तक जा पहुंची। उसे महल में बुलाकर उसे सबक देने का फैसला राजा ने किया, लेकिन चक्की वाले को राजा को भी झूठ बोलने में संकोच नहीं हुआ। महाराज, मेरी बेटी भूसे को सोने के धागे में बदल सकती है। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे कल यहाँ लेकर आओ, हमें दिखा दो ताकि हम तुम पर विश्वास करें। जब चक्की वाले ने ये बात बेटी को बताई, वो क्रोधित हो गई। पिताजी, आपने फिर झूठ बोला, अब मैं क्या करूं? उसके पिता बहुत शर्मिंदा थे। अगले दिन असहाय रूप से चक्की वाला और उसकी बेटी राजा के पास गए। राजा बेटी को एक कमरे में ले गया। कमरे में एक कताई चक्र और भूसे से भरी टोकरी रखी हुई थी। सूर्योदय होने तक सारे भूसे को सोने में बदल दो, अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा होगी। राजा ने चक्की वाले को बंद करके रखा और बेटी के लिए दो पहरेदार रखे। बेटी ने भूसा और कताई चक्र की ओर देखा और रोने लगी। ओ पिताजी। अचानक कमरे में प्रकाश दिखाई दिया। जब प्रकाश गायब हुआ तो एक छोटा सा बदसूरत बौना प्रकट हुआ। बेटी ने असमंजस से बौने को देखा। तुम क्यों रो रही हो? राजा चाहते हैं कि मैं इस भूसे को सोने में बदल दूं, पर मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? हैं? बेटी ने अपने गले का हार बौने को दे दिया। जैसे ही बौने को हार मिला, वो कताई चक्र के सामने बैठ गया और भूसे को घुमाने लगा। चक्र के चारों ओर घूमते ही चरखा सुनहरे भूसे से भरने लगा। थोड़े ही समय में बौने ने सारे भूसे को सोने में बदल दिया और जैसे ही वो प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हुआ। सुबह होने के बाद राजा ने कमरे में प्रवेश किया। उसने सोने को देखा और आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगा था तुम्हारे पिता झूठे हैं, पर उन्होंने तो मुझे चौंका ही दिया। बेटी बहुत खुश थी और वहां से भागना चाहती थी, पर राजा और भूसा ले आया। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो कल सुबह तक इस सारे भूसे को सोने में बदल दो। बेटी दोबारा रोने लगी और दोबारा बौना प्रकट हो गया। मैं इसे सोने में बदल दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? हैं? बेटी ने अपनी अंगूठी निकाली और उसे दे दी। मैं आपको मेरी बहुत कीमती अंगूठी दे रही हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दी थी। बौने को अंगूठी मिली और उसने चरखा चलाना शुरू किया। चक्र गोल गोल घूमता गया और सोने से भरता गया। सुबह तक सारा काम हो गया। टोकरी सोने से भरी हुई थी। राजा ने कमरे में प्रवेश किया और सोना देखकर खुश हो गया।
इस बार उसने भूसे से पूरा कमरा भर दिया। अगर तुमने ये सारा भूसा सोने में बदल दिया तो मैं तुम दोनों बाप बेटी को माफ कर दूंगा और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। जैसे ही राजा कमरे से बाहर गया, बौना पुनः प्रकट हो गया, पर इस बार बेटी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। बौने ने कहा, राजा से शादी होने के बाद तुम्हारा पहला बच्चा तुम्हें मुझे देना होगा, मैं ये सारा भूसा सोने में बदल दूंगा। असहाय बेटी ने उसकी शर्त मान ली। इस बार बौने ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। गोल गोल कताई चक्र के रूप में चरखे ने सोना भरना शुरू किया। सुबह हो गई और राजा ने कमरे में प्रवेश किया। वो सोना देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने बेटी को शादी का प्रस्ताव दिया और बेटी रानी बन चुकी थी। कुछ समय बाद रानी ने बच्चे को जन्म दिया। एक दिन जब रानी बच्चे को सुला रही थी, बौना प्रकट हुआ। तुमने मुझे वचन दिया था, भूल गई? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। बौने को उस पर दया आई, उसने उसे एक मौका दिया। अगर 3 दिनों में तुम मेरा नाम बता पाई तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। जैसे ही बौना गायब हुआ, रानी सोचने लगी। उसने पहरेदार को बुलाया और देश के सभी नामों की सूची बनाने को कहा। पहरेदार ने सुबह तक कागज पर सभी नामों की सूची तैयार की और रानी को दे दी। सुबह बौना फिर प्रकट हुआ और रानी से पूछा उसका नाम क्या है। रानी ने कागज पर लिखे नाम पढ़ने शुरू कर दिए। तुम डेविड हो? नहीं। रॉबर्ट? नहीं। टॉम? नहीं। पीटर? नहीं। रानी ने सभी नाम पढ़ लिए, फिर बौने ने कहा, इनमें से एक भी नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, पर कल वापस आऊंगा। और बौना गायब हो गया। रानी ने पहरेदार को बुलाया और इस बार उसे पड़ोसी राज्यों के नामों की सूची बनाने को कहा। सुबह होने से पहले ही पहरेदार ने सब नामों की सूची एक कागज पर रानी को दे दी। सुबह होने पर बौना प्रकट हुआ। तो क्या तुम मेरा नाम ढूंढ पाई? बल्ज सर? नहीं। हंस? नहीं। मुस्तफा? अहम। गुस्ताव? उसने चाहे जितने नाम लिए हो वो पहचान नहीं पाई। कल आखिरी दिन है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। ध्यान में रखना। बौना फिर एक बार गायब हो गया। रानी ने पहरेदार को बुलाया और कहा कि इस बार अधिक देशों की यात्रा करें और अधिक नाम प्राप्त करें। सुबह होते ही पहरेदार रानी के पास गया और रात को उसने जो देखा वो कहने लगा। जब मैं जंगल से गुजर रहा था, मैंने एक छोटा सा घर देखा जहां बोलने वाले पेड़ थे और एक बौना गाना गाते हुए नाच रहा था। अब वो होगी मेरी बेटी, वो होगी मेरी किरण, प्रतीक्षा की घड़ी अब होगी खत्म, मेरा नाम रंपलस्टिल्स्किन। रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई। सुबह हुई और बौना प्रकट हुआ। जब उसने रानी को पूछा कि उसका नाम क्या है, रानी ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम नहीं है और उसने कुछ अलग नाम लिए। अपनी गर्दन हिलाते हुए बौना नाना बोलता रहा। जैसे जैसे रानी के नाम गलत होने लगे वो खुश होता गया। आखिर में रानी ने उसका नाम लिया। क्या रंपलस्टिल्स्किन है? लेकिन
तुम्हें ये कैसे पता चला? ओ, ये हो नहीं सकता, तुम्हें जादूगर ने बताया होगा। जादूगर ने, हाँ, हाँ, बॉनी जादुगर, ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जमीन फट गई और उसका पैर दफन हो गया। और जैसे ही उसने निकालने की कोशिश की, उसने अपना दूसरा पैर पटका, जमीन में दरार आई और वो जमीन के अंदर चला गया। आखिरकार रानी को लालची बौने से छुटकारा मिला। रानी राजा के पास गई और ईमानदारी से जो भी हुआ राजा को बताया। राजा को रानी का पछतावा दिखाई दिया और उसने रानी को माफ कर दिया। उसके पिता दंड के लायक है ये सोचकर राजा ने उसे राज्य से दूर भेजकर दंडित किया। और इस तरह राजा, रानी और राजकुमार संपन्न और स्वस्थ जीवन जीने लगे। देश में कहीं दूर एक राक्षस था, रेगिस्तान के बीच में रहता था। इसके अलावा उसे केवल ताजी मिट्टी खिलाई जाती थी, नए हरे पौधे और बीज। रेगिस्तान से कुछ दूर एक ऐसा राज्य था जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं था और ना ही जाकर उसकी मिट्टी खाई थी। इस राज्य के राजा और रानी के बच्चे नहीं थे और वे इस बात से बहुत दुखी थे। जब रानी एक रात सो नहीं पाई, वो चुपके से महल से बाहर निकल गई और रेगिस्तान में घूमती रही। हालांकि रेगिस्तानी राक्षस ने उसे देखा, वो उसके पास नहीं गया और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया के सभी पौधों और ताजी मिट्टी को खाना चाहता था। उस पल में एक तारा आकाश से गिर गया और अपने पीछे एक हरा निशान छोड़ गया। गिरते सितारे को देखकर रानी ने एक इच्छा की। ओह, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उसे गले लगाकर प्यार से बड़ा करती। उस पल में रानी के सामने एक तारा परी प्रकट हुई। ओह, तुम एक परी हो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ प्रिय रानी, मैंने आपकी इच्छा सुनी और आपके सामने प्रकट हुई। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो 7 दिन और 7 रातों तक इस मरुभूमि में घूमना, सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। स्टार परी के शब्दों को सुनकर रानी वास्तव में रेगिस्तान में घूम रही थी। 7 दिन और 7 रात। दूसरी ओर राजा ने सोचा कि रानी, जो कई दिनों से महल में नहीं लौटी थी, खो गई है और वो तबाह हो गया। रेगिस्तान में उसके 7वें दिन के अंत में जब वो निराशा में थी, रानी ने किसी का रोना सुना। रानी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रेत पर रो रहा है। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और महल में लौट आई। राजा बड़ा खुश हुआ जब उसने रानी को सुरक्षित और कई दिनों बाद देखा और एक प्यारा बच्चा वो अपनी बाहों में ले जा रही थी। उसकी खुशी और भी बढ़ा रहा था। उन्होंने उस छोटे बच्चे का नाम रखा पृथ्वी राजकुमारी। साल बीत गए, पृथ्वी राजकुमारी बड़ी हो गई और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके बचपन से ही उसको बहुत पसंद था रेत से खेलना। अगर उसने रेत में एक तितली बनाई तो वो जीवित हो जाती और उसके चारों ओर उड़ती रहती, या अगर उसने एक फूल बनाया तो वो एक असली फूल बन जाता जिसकी खुशबू अद्भुत होती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने महसूस किया था कि पृथ्वी राजकुमारी के पास जादुई शक्ति थी, वो उसके पिता राजा थे। लेकिन उसने उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। एक दिन जब लोग नई फसल बो रहे थे, रेगिस्तान राक्षस की नाक ने तेज गंध पकड़ी।
उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो ताजी मिट्टी की गंध थी। जब उसने स्वादिष्ट पौधों के बारे में सोचा कि वो बीज खाएगा, उससे रहा नहीं गया और वो उसी समय गंध की दिशा की ओर बढ़ने लगा। इस बीच राज्य में लोगों ने महसूस किया, देखा कि जमीन कांपने लगी थी। ओह, क्या चल रहा है? क्या ये भूकंप है? ये तो कुछ और है। जमीन को हिलते हुए देखकर राजा और रानी भी दौड़ पड़े महल की बालकनी से बाहर, और दूर रेगिस्तान के राक्षस को उन्होंने देखा जमीन के नीचे राज्य की ओर बढ़ता हुआ। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये सच में होते हैं। ये बहुत बुरा है, मिथक सच हो रहा है। रेगिस्तान के राक्षस को रोकने के लिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सिपाही राज्य के द्वार पर छुप कर बैठ गए, लेकिन रेगिस्तानी राक्षस इतना बड़ा और डरावना था कि बहुत से सैनिकों ने सोचा कि वे उसे हरा नहीं सकते। जब रेगिस्तानी राक्षस राज्य के पास आया, तब उसने सैनिकों को पकड़ लिया और एक एक करके उन्हें रेगिस्तान में फेंक दिया। बचाओ, बचाओ! नहीं, मेरे सैनिक, मेरा राज्य। ये देखकर लोगों ने जमीन पर खेती करना बंद कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने हर पौधा, हर ताजी हरियाली खाना जारी रखा। उदासी और भय के कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजा अपने महल से बाहर आया अपनी पूरी ताकत के साथ। पृथ्वी राजकुमारी भी उनके साथ चल पड़ी। मेरी राजकुमारी, मेरी खूबसूरत पुत्री, अपनी माँ के साथ महल में ही रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। नहीं डैडी, आपको पता है मैं उसे हरा सकती हूँ, मैं अपना राज्य, अपनी भूमि बचा सकती हूँ। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी पृथ्वी राजकुमारी रेगिस्तान के राक्षस का सामना करे, तो उन्होंने उसे वही रोका। तलवार उठाई और दौड़ पड़े राक्षस की ओर, जो उपजाऊ जमीन को खा रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रेगिस्तान राक्षस ने राजा को उठाकर फेंकने की कोशिश करते ही पृथ्वी राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई और उसने रेती पर कवच का चित्र निकाला। वो जादुई रूप से वास्तव में ढाल बन गई और उस ढाल से राजकुमारी ने खुद का कवच बनाया और रेगिस्तानी राक्षस की ओर दौड़ पड़ी। रेगिस्तानी राक्षस ने राजकुमारी पर रेत फेंकी, फिर भी वो उसे रोक नहीं सका। पृथ्वी राजकुमारी तुरंत झुक गई और रेत में अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी बाल्टी का चित्र बनाया। बाल्टी असल रूप में सामने आई। राजकुमारी ने इस बाल्टी को उठा लिया और उसे रेगिस्तानी राक्षस पर फेंक दिया। वो बाल्टी रेगिस्तानी राक्षस के सिर पर जा लगी और वहीं फंस गई। इस प्रकार राक्षस आगे का नहीं देख पाया और उपजाऊ जमीन खा नहीं पाया। उस समय पृथ्वी राजकुमारी ने सारी शक्ति इकट्ठा कर राक्षस को राज्य से दूर फेंकने के लिए एक रेगिस्तानी बवंडर बनाया। ये बवंडर इतना बड़ा था और मजबूत था कि इसने एक पल में राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राज्य से दूर ले गया। जो लोग ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बड़े विस्मय और प्रसन्नता में थे। पृथ्वी राजकुमारी अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू से थक गई थी। किंग तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। तुमने हमारी जान बचाई, हमारी जमीन और हमारा राज्य भी। पृथ्वी राजकुमारी जिंदाबाद, राजकुमारी अमर रहे। उस दिन से पृथ्वी राजकुमारी ने उसके साहस से राज्य की सभी भूमि को सदैव रक्षण दिया, क्योंकि मिट्टी के बिना जीवन नहीं होता और पृथ्वी राजकुमारी ये सबसे अच्छी तरह जानती थी।